इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना कैमरे में हुई कैद। मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना कैमरे में कैद हुई है। यहां एक युवक ने एक कुत्ते के हाथ पैर बांधकर लाठी डंडों से पीटकर मौत की नींद सुला दिया। घटना की जानकारी मिलते ही नई राह नई उड़ान जीव सेवा समिति मौके पर पहुंच गई। जब तक समिति के लोगों ने कुत्ते का हाथ पैर खोले तब तक कुत्ते की मौत हो चुकी थी। समिति की शिकायत पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मामला मझोला थाना इलाके के सम्राट अशोक नगर से है। दरअसल हुआ ये कि नई राह नई उड़ान जीव सेवा समिति को स्थानीय निवासी द्वारा एक कुत्ते की मौत की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही समिति के लोग मौके पर पहुंचे और एक प्लाट में हाथ पैर बंधे हुए एक कुत्ता पड़ा हुआ था, जिसके हाथ पैर खोलने के बाद देखा तो कुत्ते की सांसें बंद हो चुकी थी। समिति की अध्यक्ष शैली शुक्ला ने बताया कि हमारी संस्था बेजुबान जीवों की मदद करती है, जो पशु बीमारी से ग्रस्त होते हैं उनका इलाज कराते हैं। तभी जानकारी मिली कि एक युवक कुत्ते के हाथ पैर बांधकर घसीटते हुए ले जा रहा है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। लिहाजा थाना मझोला में आरोपी युवक के खिलाफ कुत्ते की हत्या करने के आरोप में तहरीर दे दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हम चाहते हैं कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और इंसान किसी बेजुबान जीव के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार न कर सके। वही इस पूरे मामले को लेकर एएसपी सागर जैन ने बताया कि इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत धारा 429 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अग्रिम जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरीफ। आप मंजूर थाने में आज क्या करने आए? आज हमारी समिति नई राह नई उड़ान जीव सेवा समिति मुरादाबाद मझोला थाने आई हुई है। सम्राट अशोक नगर मुरादाबाद का एक केस था, जिसमें एक आदमी एक फीमेल को उसके हाथ पर बांधकर और उसे डंडों से मारा गया था। उसे घसीटता हुआ लेकर गया था, उसने उसकी हालत पूरी अधवरी कर दी। जब हमारी समिति वहाँ पहुँची तो हमने उसका हाथ पैर खोले और उसका ट्रीटमेंट किया, और उसके 2-3 घंटे बाद ही वो फीमेल ख़त्म हो गई। और निवासियों ने कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि यहीं का एक निवासी है जिसने इस फीमेल के साथ ऐसा किया था, और हमारी कमेटी के पास फुटेज आ चुकी है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो आदमी किस तरीके से एक बेजुबान जीव को पूरे हाथ पैर बांध कर उसे डंडों से मारने के बाद घसीटता हुआ लेकर जा रहा है। तो आज हमारी पूरी समिति थाना मझोला आई हुई है इस केस के लिए, क्योंकि हम लोगों ने FIR करी है, और हम लोग पुलिस से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस आदमी पे कार्रवाई की जाए, ताकि आगे किसी भी बेजुबान जीव के साथ ऐसा ना हो। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि इस आदमी को सजा दी जाए। वो आदमी पकड़ में आया है? अभी तक आदमी को पकड़ में नहीं आया, अब हम लोग FIR कर रहे हैं। कोई पुलिस वाले गए थे आपके सुनने है? नहीं सुनने है यहाँ पे मुझे। अभी पुलिस वालों ने हमारी FIR कर दी है, अभी हमें थाना मझोला में सम्राट अशोक नगर में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक कुत्ते के हाथ पर बांधकर उसके साथ मारपीट और उसे घसीटना, जिससे उसकी मृत्यु हो जाना, एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिस संदर्भ में IPC 429 और पशु क्रूरता अधिनियम के उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये जो हमें एप्लीकेशन वादी की तरफ से आई थी, तो निर्देशित किया गया था थाने पर, तो ज्ञात में लिखा हुआ है, इसका जांच की।